सर, जब हमको ये विस्थापित किया गया था उस समय बिल्कुल ऐसी जमीन दे दी हमको जिसमें कुछ भी उपजाऊ नहीं होता, ये आप सामने देख सकते हैं। फिर हमने इसके लिए पानी की मांग की, पानी भी देने से उन्होंने साफ लिफ्ट के द्वारा भी कहा, हमने नहर द्वारा कहा, उन्होंने सारे पहले तो आश्वासन दिया कि आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी तक देखो, इसीलिए लोग यहाँ के विस्थापित उन्होंने सारी जमीन बेच दी। और देखो आप देख सकते हैं, आप प्लॉटिंग हो गई सर, सारी देखिए आप, सारी जगह प्लॉटिंग है। मेरा खुद 1988 का विस्थापित हूँ, मेरा प्लॉट का मामला चल रहा है। परसों मैं कमिश्नर साहब के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे टाल दिया। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ हम ऐसे तो ऐसे महसूस करें कि हम यहाँ के हैं नहीं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। हम तो ऐसे लगते थे जैसे हम यहाँ जो रिफ्यूजी बन गए। उन्होंने कहा कि पीने का पानी 600 फुट पे करवाया उन्होंने, उसमें भी जो पीने का पानी पीने योग्य पानी नहीं, जबकि यहीं से आधा किलोमीटर की दूरी पर जो है एक नहर बहती है, उससे दिल्ली तक को पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन हमें पानी से वंचित रखा जा रहा है, जबकि हमने देश के लिए इतनी कुर्बानी की। हमारे ऊपर का पानी सारा नदी में छोड़ा गया जो हम यूज करते थे ऊपर, उस पानी को दीजिए हमें, हम इनसे पानी नहीं मांगते, इन भिखारियों से, लेकिन हम भिखारी बन बैठे देश में। आ तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ कोई मुख्यमंत्री या कोई शासन ऐसा कुछ है इस देश में या इस राज्य में।